हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी करेंगे 1.5। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो फेरस सल्फेट चाहिए, बर्नर चाहिए, और इसको हम हीट करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे हाउ ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग। ठीक है, तो हम लेते हैं एक ड्राई टेस्ट ट्यूब और ड्राई टेस्ट ट्यूब को लगाते हैं होल्डर में। इसको हम होल्डर टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लिया, इसमें लगा लिया, और अब हम इसमें लेंगे फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट हमेशा बच्चों पॉलीथीन में पैक करके रहता है, तो ऐसे ही रखना चाहिए, नहीं तो इसमें मॉइस्चर जाने से जल्दी खराब हो जाएगा। और देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो फेरस सल्फेट जो है ये लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं इसके। ठीक है, और अच्छे से आपको इसका कलर देखना है लाइट ग्रीन, तो मैं आपको ये वाइट बैकग्राउंड में दिखा रही हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसका लाइट ग्रीन कलर। ये देखिए, ये क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है फेरस सल्फेट। मैंने आपको बताया जितनी भी केमिकल रिएक्शन है और जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, रिएक्टेंट का कलर और प्रोडक्ट का कलर आप याद रखिए, है ना। ये देखिए, ये फेरस सल्फेट का कलर है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। मैंने इसीलिए इसको व्हाइट पे रखा है, क्योंकि व्हाइट पे कलर अच्छे से दिखाई देता है ना। तो ये एकदम लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं फेरस सल्फेट के। अब हम इन क्रिस्टल्स को डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इन क्रिस्टल्स पर हीट का क्या इफेक्ट होता है। तो स्पैचुला में हमने क्रिस्टल्स लिए फेरस सल्फेट के, ये देखिए टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा होगा, टेस्ट ट्यूब से भी दिख रहा होगा, है ना, लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं ये। और मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आप कोई भी निकालेंगे सामान तो क्या करना चाहिए, इमीडिएट इसको पैक करना चाहिए, ठीक है, जिससे ये खराब ना हो। पैक कर दिया। चलिए, अब हम उठाते अपना टेस्ट ट्यूब और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए थोड़ा ध्यान रखिए, जो फ्लेम है इसके टिप पर हमको टेस्ट ट्यूब रखनी है, और एकदम कॉन्स्टेंट हीटिंग ना करते हुए थोड़ा इस तरह से करना है। एकदम कॉन्स्टेंट हीटिंग करेंगे मतलब एक जगह स्थिर रख करके अगर हीटिंग करते हैं तो इसके उछलने का खतरा रहता है। और गर्म करते समय आपने को क्या सावधानी रखनी है, देखिए हमने टेस्ट ट्यूब का मुंह किधर रखा है, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और अपने से अपोजिट डायरेक्शन में टेस्ट ट्यूब का मुंह रखते ध्यान से इधर ऑब्जर्व भी करते जाइए, है ना। यहाँ पर समय ये भी ध्यान रखिए कि टेस्ट ट्यूब का मुंह आपके साथी की तरफ ना हो। पता चला आपने अपने को प्रोटेक्ट किया लेकिन साथी को हार्म कर दिया, तो आपके अगल बगल जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए टेस्ट ट्यूब के ये माउथ को हमें सेट करना है कि किधर, अपनी तरफ तो नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले की भी तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए ऑब्जर्वेशन कुछ दिखा आपको चेंज, जो लाइट ग्रीन कलर था अभी रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया है। और ये जो गैस निकल रही है इसमें से आपको दिख रही होगी वेपर्स, ये गैस निकल रही है। ये गैस थोड़ी सी अगर आप इसको पास में आकर के सूंघेंगे इस तरह से, तो इसमें सफोकेटिंग स्मेल आ रही है। सफोकेशन कैसा होता है, जैसे अपने को खांसी हो जाती है ना, हल्की सी खांसी, अगर हम इसको ज्यादा सूंघ लेंगे या आप इसको ज्यादा सूंघ लेंगे, हल्का सा आपको ऐसे लगेगा, खांसी जैसा लगेगा फेफड़ों में, ठीक है। वो इसके कारण है क्योंकि ये जो गैस बन रही है ये एक्चुअल देखिए ब्राउन कलर का हो गया, डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर के गैस बन गई, उड़ गई, और ये रह गया रेजिड्यू। रेजिड्यू किस कलर का है, ब्राउन कलर का रेजिड्यू रह गया। और एक ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखिए, आप इसमें टेस्ट ट्यूब को देखिए, टेस्ट ट्यूब के ये ऊपर साइड में पानी दिख रहा है आपको, वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे इस ऑब्जर्वेशन को, ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं और गैस निकली, कलरलेस गैस निकली, और ये क्या बन गया, रेजिड्यू कैसा है, ब्राउन कलर का है, ठीक।
अब हम इसको जब रखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब हमारी गर्म है, तो इस गर्म टेस्ट ट्यूब को हम डायरेक्ट ऐसे प्लास्टिक के इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखेंगे तो इसके जलने का खतरा है, इसीलिए हम इसको उसमें ना रख करके थोड़ा सा इसमें रख रहे हैं। ये सारे प्रिकॉशंस आपको प्रैक्टिकल करते समय लेने चाहिए, ठीक है? इसको निकाल देते हैं, ये निकाल दिया हमने और इसको यहाँ रख दिया। एक्चुअल केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या हुई, जब आपने इसको हीट किया तो FeSO4, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने क्यों कहा इसको, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई आपने क्यों कहा, क्योंकि जब आपने हीट किया गैस निकली, रेजिड्यू रह गया और ये वाटर आपके टेस्ट ट्यूब में ऊपर ड्रॉपलेट्स आ गई, तो आपने गर्म किया था 2 FeSO4 को। 2 FeSO4 को जब आपने हीट किया तो ये बना Fe2O3 में प्लस SO2 में प्लस SO3 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? वाटर हमने नहीं लिखा क्योंकि ये वाटर एक्चुअली क्या है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर था, जब वाटर कहाँ से आया, तो ये वाटर आया है Fe SO4 7 H2O, इसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्या है ये, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी ये जो वाटर है ये क्रिस्टल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी है FeSO4, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में ये 7 क्रिस्टलाइजेशन के मतलब 7 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर है ये, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल बनते समय क्रिस्टल में क्रिस्टल के साथ ये FeSO4 इस पानी के साथ अटैच है। आपको देखने में देखो गीला नहीं दिख रहा था, ये एकदम कैसा है देखो, एकदम पाउडर सूखा सूखा है, एकदम बिल्कुल ड्राई है, आपको एकदम गीला नहीं दिख रहा था, है ना? लेकिन इसमें पानी प्रेजेंट है। पानी प्रेजेंट है कैसे पता चला आपको, ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स बनी है, कहाँ से आई, आप हीट कर रहे थे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ये इसमें जो 7H2O वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ये वाटर ड्रॉप्स बन गए। ये रेजिड्यू जो बचा ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का है, ये Fe2O3 है, और जो सफोकेटिंग गैस हम ऐसे सूंघ रहे थे वो ये SO2 और SO3 है, इनकी सफोकेटिंग स्मेल होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? कलर याद रखने हैं प्रोडक्ट के, मैंने बताया था आपको कि ये कैसे कलर का है, Fe2O3 कैसा है, ब्राउन, और ये दोनों गैसेस कैसी हैं, कलरलेस हैं और कैसी हैं, सफोकेटिंग स्मेल, स्मेल क्या, सफोकेटिंग, है ना? सफोकेटिंग का मतलब फेफड़ों में कंजेशन टाइप का होने लगता है अगर आप ये गैसों को ज्यादा देर सूंघेंगे तो। और ये 7H2O क्या है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ लिखा जाता है, ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7H2O, यानी FeSO4 सिंपली लिख देते हैं FeSO4 7H2O, हर जगह नहीं लिखा जाता है, अभी हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, जब जरूरत पूछे जाए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है तो आप बता देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में जो पानी प्रेजेंट रहता है क्रिस्टल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये मॉलिक्यूल इतने वाटर से अटैच्ड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखेंगे तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से ये अटैच्ड है, ठीक है? नॉर्मली जब हम लिखेंगे तो FeSO4 लिख देते हैं, यहाँ पे हमने देखिए H2O नहीं लिखा है, ठीक? तो आज के लिए इतना ही इस एक्टिविटी में।